टाउन कॉलोनी निवासी बलदीप भाटिया और कमल कौर की सजगता ने उन्हें बड़ी वारदात से बचाया। उन्होंने थाना ताजगंज में नौकरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ खाना बनाने वाली नौकरानी मंजू खाने में नींद की दवा मिला देती थी। उसके बाद उनकी पत्नी कमल कौर और बच्चे दिन भर सोते रहते थे। घर का महंगा राशन, फ्रिज में रखा दूध जल्द खत्म होने लगा तो मालकिन को शक हुआ, तो उन्होंने घर में चुपचाप सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। नौकरानी उसमें दूध पीते हुए और चोरी करते हुए कैद हो गई। इतना ही नहीं, नौकरानी फर्श से मिट्टी उठाकर सब्जी में मिलाती नजर आई। उनके मुताबिक कामवाली उनके खाने में अपने कपड़ों से निकालकर कुछ पदार्थ सब्जी में मिलाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। कमलजीत कौर ने बताया कि समय रहते वह सचेत हो गए, नहीं तो कामवाली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती थी। थाना ताजगंज पुलिस ने मामले की प्राथमिकता दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उसका नाम था मंजू। अच्छा, क्या इरादा था उसका? इरादा तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इरादा तो किसी का भी पता नहीं होता है किसी को भी। और कहते हैं ना कि किसी के स्वभाव का, किसी के मन का किसी को पता नहीं है। हम तो ये है कि हमने एक सर्वेंट रखी थी। खतरनाक इरादा था? हाँ, उसका खतरनाक इरादा था। और पहली बात तो ये है, क्या लगता है, कुछ करने घटना घटना करने की उसमें हो सकती थी। हमने सही टाइम पर उसका सचेत रूप से देखा, चेक करा कि क्या हो रहा है, हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है और ये क्या मिलाते हुए, जब हमने प्राप्त किया उसे, कि जब हमने पकड़ा उसे मिलाते हुए कैमरे के थ्रू, तब हमें उसका बिल्कुल सबूत मिला। हाँ, ये कुछ गलत शिकायत कर दी आपने। हमने शिकायत कर दी, हमने सोसाइटी वालों को भी करी है। और दूसरी, हमने एक संज्ञान भी कराया, जो कि थाना ताजगंज के थ्रू एकता पुलिस चौकी पे हमने एक एप्लीकेशन भी दी है, जो कि कंप्लेंट जो कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके बाद बड़ी घटना बच गई है। बड़ी घटना बच गई कि इन सब के भी सच। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।